हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। थोड़ा सा जुकाम हो रहा था और बुखार जैसा लग रहा था, जैसे ठंड लग जाती ना वैसा, क्योंकि कल भी मार्केट गई थी तो उसकी वजह से थोड़ी ठंड वंड लग गई। और अब मैं तैयार होकर, ऐसे लग नहीं रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, बट हाँ है तबीयत ख़राब, बट मैं लगती नहीं हूँ कभी भी कि मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि मैं सुंदर बन जाती हूँ ना, इसीलिए मुझे सुंदर बन के रहना अच्छा लगता है और सबको रहना भी चाहिए, उससे आपको अच्छा अच्छा फील होता है। अगर आप ऐसे ही बैठे रहते हो तो अच्छा फील नहीं होता बिल्कुल भी, इसीलिए मैं तैयार होकर बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं तैयार वैसे हुई नहीं हूँ, मैंने सिर्फ बिंदी लगाई और लिपस्टिक लगाई है, ऐसा मैंने कुछ मेकअप नहीं करा। और ये प्लांट बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये कल भैया भाभी लेके आए थे, बहुत ही प्यारा प्लांट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और फिर इसको यहीं पर रखवा लिया क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर कॉर्नर पर बहुत प्यारा लग रहा है सच में। और अभी बस मम्मा मेरे लिए लेके आए हैं ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट है, वैसे लंच टाइम है बट मेरे लिए ब्रेकफास्ट है। मेरे को चावल खाने का मन था, मेरा गला ख़राब हो रहा है बट फिर भी मेरा चावल खाने का बहुत मन था। और चीज़ ऑमलेट बना रहे हैं मम्मा मेरे लिए, आज ही निकल जाएंगे और कल सुबह आ जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं आज ही तैयार होकर बैठी हूँ इसी चक्कर में, ऐसा नहीं है तैयार मैं वैसे हुई हूँ। बहुत टाइम से मैंने सूट नहीं पहना था तो फिर मैंने सोचा कि सूट पहनूँ, और ये वाला सूट बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने इतने दिनों बाद पहना है ना, 4-5 महीनों बाद ही सूट पहना है तो बहुत प्यारा लग रहा है। और आज मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा देर ना ऐसे रेस्ट करने लग गई थी दवाई खा के, क्योंकि जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने अभी दवाई खाई है। और उसके बाद अब हम वही छत पे आए हैं मम्मा और मैं, कपड़े उतारने, कपड़े डाले थे ऊपर छत पे। तो मम्मा कहाँ गई? ओए वो मम्मा घूम गई, नहीं मम्मा उस साइड कपड़े उतार रहे हैं वो। और धूप इतनी अच्छी लग रही है बट हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई, तबीयत ख़राब। बट धूप ऐसे मतलब तीखी सी धूप अगर आपके मुंह पे पड़ती है ना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे पीछे से भी ढालो तो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने ऊपर ना ही पहन ली जैकेट अपनी क्योंकि ठंड बहुत लग रही है, इसलिए वो नहीं मम्मा बस हो गए क्या? अच्छा उधर भी है और सुंदरू छत पे ही है। ये सुंदरू मेरा बेबी ऊपर ही था, तू इधर आ सुंदरू, आजा आजा, गुड बॉय। नहीं आना इसने मम्मा, सुंदरू अब नहीं भागता ये देख के। सुंदरू सुंदरू इधर आ, अपना नाम पहचान, हाँ इसको याद है नाम तो अपना, ड्रामे बादशाह भाग गया। फिर बच्चे भी खेल रहे हैं ना यहाँ पर, पता होता मुझे ये ऊपर है मैं इसके लिए कुछ ले ही आती। बोरा 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 क्या कर रहा है ये लड़का? बच्चों के साथ खेल रहा है। हाँ बच्चों के साथ खेल रहा है। सुंदरू नहीं आ रहा तो फिलहाल हम नीचे जा रहे हैं, नहीं सुन रहा, बात ढीठ हो चुका है वो, ढीठ। धूप निकली होती ना तो 5 मिनट रुक ही जाते हम ऊपर, है ना? वही तो, हवा इतनी तेज चल रही है ना कि धूप भी लग ही नहीं रहा कि निकली हुई है। तो भाभी और मम्मा गए हैं मार्केट थोड़ी सी सब्जियां वगैरह लाने, और पांडा है और विस्की घर पर है और मैं हूँ। और ये परेशान हो रहा है, ये चूँ चूँ लगा हुआ है। क्यों भाई क्यों चूँ 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 चालू है आपकी? हाँ मैं हूँ ना घर पर। और विस्की तो बहुत प्यारी है, विस्की तो आराम से बैठी हुई है, आज सच में बहुत तबीयत खराब। ये दी मेरी लाडू, लाडू सो जा बुक, नहीं उठना नहीं है, सो जाओ आप नहीं करो, आपको क्या चाहिए भाई, भूख ही लगी है, अभी देती हूँ कुछ। तो मैं सोचती हूँ इसको ब्रेड वगैरह दे दूँ थोड़ी सी कि थोड़ा सा शांत हो जाएगा, ऐसे तो नहीं तो ये शांत होने नहीं वाला लड़का, थोड़ी देर तभी टिकेगा, ऐसे नहीं टिकने वाला ये, कुछ देना पड़ेगा। हाँ हाँ आवाज़ें सुन रहे हो इसकी, नामकरण भी हो चुका है, हमने इसका नाम पांडा रखा है क्योंकि हमें कुछ और समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल पांडा जैसा लगता है तो इसीलिए हमने इसका नाम पांडा रख दिया। लड़का आजा, नो बैड बॉय, ऐसे कौन खाता है जंगलियों की तरह। तो विस्की को मिलेगी उसकी स्टिक। तो पांडा के ना ये कुछ क्यूट से बिस्किट्स भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। तो पांडा मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ये, बट विस्की को देंगे हम एक स्टिक और, क्योंकि गुड गर्ल है विस्की, और ये लड़का है बैड, वेरी बैड बॉय।
दोनों की ट्रीट मैंने दे दी है, बट विस्की तो आराम से बैठी है, बट पांडा को अभी भी चैन नहीं है। पांडा कम कम जल्दी आ, विस्कू की पूछ हिल रही है। विस्कू बाबू तू सो जा, तुम्हें क्यूटी गर्ल है, बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची है। इसके लिए ना ये डंडा रखा हुआ है यहाँ पर कि ये डरे इससे, और तू डर जा, मैं तेको डरा रही हूँ, अपने बेड पे बैठ जा, समझ आ रही है? इसको अभी तक अपने नाम की पहचान नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन ही हुए हैं इसका नाम रखे हुए हैं, और इसको ज़्यादा नहीं समझ में आती, और हमें भी नहीं समझ में आती हमें से क्या बुलाएं, कभी भी कुछ भी बुला देते हैं। मेरे मुँह पे तो माफिया चढ़ा हुआ है, जो हमारा पिछला डॉग था उसका नाम माफिया रखा हुआ था, तो वो मेरे को लगता है, और इसकी शक्ल भी है वैसे माफिया जैसी, डेंजरस सी। पांडा कम आ मेरा बच्चा, विस्को की पूछे रही है, मेरा लाडू पा रही है, तू तो बहुत सोनी है। विस्की को ना जलन होती है, उसको बुलाओ तो, नहीं बाबू तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, तू तो मेरी राज दुलारी है, कैसे क्यूटी बच्ची है तू मेरी बहुत ज़्यादा। और मम्मा भाभी आ चुके हैं, और मैं पी रही चाय, अच्छा लग रहा है चाय पी के, बट मेरी आईज इतनी ज़्यादा पेन हो रही है, मतलब मेरे सिर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। आईज की मेरी आईज से पता लग ही रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, ऐसी उतरी उतरी सी लग रही है, तो अभी दवाई लेके आई है मम्मा, अब वो खाऊंगी। तो मम्मा ने अभी बनाई है अंडे की भुर्जी, हाँ अच्छी बनी है, मैं खा चुकी हूँ एक रोटी, और मैंने बाद में शूट करा है, मुझे अच्छी लगी, जैसी मुझे चाहिए होती है फीकी सी, तो ऐसी बनी है, अच्छी है। ये पूरा ब्लॉग तो मेरा खाने में ही चला गया, मुझे लगता है मेरा आज पूरा दिन ये होना चाहिए, व्हाट आई ईट अ डे, तो ये वो था, क्योंकि मैंने आज पूरा दिन बस यही दिखाया कि मैंने क्या खाया है क्या नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं शूट करा, पता है मम्मा। और ये होना चाहिए, ये मम्मा के लिए चैलेंज है कि मम्मी ने मुझे बस बना बना के खिलाया है। मम्मा आपको ये चैलेंज मिला, पहले सब कुछ आपने खिलाया ना, जो भी खिलाया, तो इसलिए। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो अब, चैन क्यों नहीं है आपको? मेरा व्लॉग देख लो एक बार, मैंने दिखाना है, मैंने एडिट करा है, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार आप देख लो, बट आप क्यों नहीं देखना चाह रहे हो? काम कर रही हूं। तो ये लड़का आ चुका है मेरे पास, और अभी मैं इसको अपना हाथ दूंगी, और ये मेरे को हाथ पकड़ाएगा, ये देखो गुड बॉय, बहुत प्यारा बच्चा है ना पांडा, बहुत प्यारा बच्चा है ना। और आज इसका नया कॉलर लेके आए हैं, और इसको तब से इसका मुंह बना पड़ा है कि मेरे को क्यों पहना दिया है। बेटा तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। अब मुझे वेट है सिर्फ सुबह का, सुबह ही आएंगे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि मैं इसे वेट नहीं हो रहा, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आएगी, मुझको ऐसा लगता है। मेरी बात सुनोगे? सुनाओ। सुन रहे हो आप? हाँ। पक्का? सोच लो। मैं कानों को लॉक लगा के नहीं रखती, ऐसे खुले रखती। खुले रखते हो? पक्का बोल दूँ? हाँ। सोच लो। बस ये मत पूछो कि मैं कल क्या पहनूं। यही पूछना था यही पूछना है मुझको, अब बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ कल पहन ले कुछ अच्छा सा सोना सा सूट सा। यार सूट ही अब आज पहना ना, आपके कहने पे मैंने आज सूट पहना ना। अच्छा तो लग रहा कितना। हाँ अच्छा तो मुझे भी लगा। आज मैं अपनी माँ के लिए तैयार हुई थी बुखार में भी। बताओ कल का बताओ। कल आज तूने मेरे कहने पे पहन लिया, अब कल तो अपने कहने पे पहन ले। नहीं 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 कल भी पहन लूंगी आपके कहने पे, बोल दो। वहां बोलोगे कुछ भी उल्टा सीधा सा, मुझे पक्का पता है। इतने सारे ढेर तेरे कपड़े हैं, मैं क्या बताऊं। देखो गेट खुल गया, आ गया तेरे को गेट खोलना, अभी इसको थोड़ी देर पहले गेट नहीं खोलना आ रहा था, अभी सीधा चढ़ेगा यहाँ पर, ये तेरी परमानेंट सीट हो चुकी है, हैं? आके सीधा चढ़ देना है। देख पांडा, इसको अभी अपने नाम की पहचान नहीं हुई है, हो गई है थोड़ी थोड़ी, हो गई है। शक्ल तो देखो, इसके दांत तो देख लो छोटे से। हम इसका नाम कम लेते हैं, इसको छुटकू ओए ये ज्यादा बुलाते हैं। मम्मा टॉपिक से इधर उधर मत हो, टॉपिक पे वापस आओ, इधर उधर होने की जरूरत नहीं है ज्यादा, बात चेंज मत करो। मैं इतना नहीं मैं बता सकती। मम्मा कल मेरा पति आ रहा है यार, इतना तो बताओ। अपने पति से ही पूछ लो। वो तो कहेंगे मेरे को नहीं पता, कुछ भी पहन लो कहेंगे। नहीं पता। इतना सीरियस होकर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एक तो तू कैमरा खोल के कुछ भी बोल दो यार। साड़ी पहन। मम्मा क्या था ये कि साड़ी पहन ले, मतलब कुछ भी ना।
इतनी ठंड में साड़ी कैसे पहन लूं मैं? कितनी छोटी सी जगह से यहां से निकल के गया ये फंस के। तो मेरी चाय ठंडी करा देगी, मेरे को चाय पीने का मजा ही नहीं आएगा। जाओ यार, आपसे ना बेकार है पूछना, मुझे सुबह खुद ही सोचना पड़ेगा। बेस्ट है। नहीं, सुबह आपका सिखाऊंगी, अच्छा रहेगा। आपको अभी बता दोगे तो अच्छा कान है। में लॉक नहीं करती हूँ, खोल के सोती हूँ, खोल के रहती हूँ सारा टाइम। तो पूरी रात आपसे यही पूछती रहूंगी? नहीं, पूरी रात मेरा दिमाग में लॉक कर देती हूँ, इसलिए मैं सोच सकती हूँ। ये क्या बात है, दिमाग लॉक कर देती हूँ यार, हद हो चुकी है मम्मा। क्या वो लग रहे हो, कैटी लग रहे हो, ऐसे छुप के देख रहे हो ना। हाँ, क्यूट लग रहे थे। मैं ये मेरे में हरकतें हैं ना ऐसी, तो ये मेरी माँ की वजह से ही आई है मेरे में। नहीं, मेरे में वो हरकतें तेरी वजह से। ये क्या बात है भाई, ये तो बहुत ज्यादा गलत था। ये क्या था, ये तो बेइज्जती करी है आपने मेरी। मेरे को देख देख के आई है आप में। ऑब्वियस है, मम्मी से ही बच्चे सीखते हैं, तो अब मम्मी कौन है। दिन जो बैठ के ऑर्डर चलाती है, मम्मा ये कर लो, मम्मा होना आ गया। मम्मा मतलब मेरा कॉल क्या आ गया, आपने तो मुंह ही घुमा लिया है, ये क्या बात होती है। मैं क्या शुक्र है, मगर लथी है। नहीं, मैं नहीं लथती जब तक मेरे को मेरा जवाब नहीं मिल जाता। हाँ, आप बता रहे थे मम्मा कौन है और बेटी कौन है। जो ऑर्डर चलाता है वही मम्मा होती है। क्या ऑर्डर चलाया मैंने आप पे? सारा मम्मा है, कर लो मम्मा है, कर लो। की कर लो, अभी दुनिया जानना चाहती है ना, की कर लो। चाय बना लो। अपनी बातें बोल रहे हो ये आप? आपको पता है कि ये आपने अपनी बातें बोली हैं कि ये कर लो तो वो कर लो, ये क्या था, चाय बना लो। चाय तो मैं पीती भी नहीं हूँ। मैंने आज सुबह से चाय पी है। देख, मेरे को चाय अच्छी लगती है ना, तो मेरे को चाय वाली बातें आती है। मैं आप पे ऑर्डर नहीं चलाती, मैं बस ये बोलती हूँ कि मेरे पास आके बैठ जाओ। आप मेरे से उठ के जाते हो तो कब बाजी कब मारती हूँ ये बताओ। मतलब उठ के जाते ही शुरू बाजे देनी है। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास ही बैठे रहो। तू तो टिक रहा है या नहीं टिक रहा, क्या चल रहा है तेरा भाई? इसने दोनों तरफ नजर रखनी है। हाँ, उधर क्या चल रहा है और इधर क्या चल रहा है। तो कपड़े तो मेरे डिसाइड हुए नहीं, मैं सुबह ही देखूंगी क्या पहनना है क्या नहीं। तो सुबह के 6:15 हो रहे हैं और मम्मा और मैं उठ चुके हैं और मैंने ब्रश वगैरह भी कर लिया। मुझे तो भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, और ये मैं सोचना कि ये बिंदी लगी हुई थी मेरी रात भर से, ऐसा नहीं है, अभी मैंने लगाई है। और मैंने कपड़े चेंज भी नहीं करे थे तो वैसे ही सो गई थी। और बस ये आने वाले हैं थोड़ी देर में, 10 मिनट में ये आ जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही होगी, क्योंकि सुबह सुबह ना ज़ोर से नहीं बोला जाता और बोल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि सब सो भी रहे हैं इसीलिए। किधर को घुमाते हैं? मम्मा मैं एक्साइटेड में भूल गई थी किधर को घुमाते हैं। खुला ही नहीं, तो लॉक ही नहीं यार, ये रात को लॉक नहीं करा। आ गए ये, मैं नीचे जा रही हूँ, लॉक ही नहीं करा हुआ था। ठंड दिख ही नहीं रहा, ठंडी। कैसा लगा मेरे से मिलके इतने दिनों बाद? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बस फिर क्या मतलब होता है भाई, अपना भी तो बताओ ना। पतले लग रहे हो, मेरे से दूर होके पतले हो गए? हाँ, मैं ऐसी बोल रही थी खुश करने के लिए, ऐसे हुए नहीं हो। इन्होंने नहीं पीनी चाय, बस हम दोनों ही पियेंगे। थोड़ी पी लेगा, ठंड चाय है ना। ठंड चाय है बट ठंड जिन लगी उन्होंने पीनी नहीं है। मैं तो पीऊंगी क्योंकि मुझे लग रही है भूख बहुत जोर से। आपको लग रही है? सुबह सुबह उठे तो बहुत, मेरे क्यों लग, मेरे को ना दवाइयों की वजह से लग रही है। मेरा गला ठीक नहीं हुआ बिल्कुल भी, क्या करूँ मैं। तुमने रात को भी ढंग से खाया नहीं था ना कुछ? 3 रोटी खाई थी। भूल गए, अंडे की भुर्जी के साथ 3 रोटियां खिलाई है आपने मेरे को।
दवाइयाँ स्ट्रॉन्ग थी या फिर पता नहीं, मेरे को भूख लग जाती है सुबह सुबह उठो तो मैं तो चाय रस खाऊंगी अभी। ये भी करने गई है ब्रश। विस्की 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 जीतेगी। विस्की 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 गुड गर्ल। ये विस्की 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 जीतेगी भाई। विस्की क्या लगता है कौन जीतेगा? जीत गए। विस्की ने डराया है, विस्की ने डराया है, विस्की जीती नहीं है, विस्की ने डराया है। पांडा विस्की ने डराया है बाबू, विस्की ने चीटिंग की है ना पांडा।